संकल्प कर लेंगे आज के बाद हम हरिद्वार में आएंगे, गंदगी नहीं पड़ाएंगे। और उस विवेकानंद का मैं सफाई, गंगा की पवित्रता फिर पहले की तरह बन जाएगी। आज देखो जितने भी बड़े बड़े गंदे नाले गंदगी के जितने भी हैं सब गंगा में डाल रहे हैं। और इस चीज को बड़े बड़े संतों ने ये, इसके बारे में बड़े बड़े हम कभी कभी टीवी में देखते हैं, इंस्टा में संतों ने ये मिशन एक बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है कि गंगा सफाई के लिए, और उसके लिए हमें भी सहयोग करना चाहिए। हम भी आज एक संकल्प करें कि जब भी हम हरिद्वार आए, जब भी हम स्नान करें, स्नान करते समय हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। राहत उठाओ, संकल्प करो आज एक गंगा भैया के यहाँ जब भी हम स्नान करेंगे सफाई का ध्यान रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। और जो फसल आप गीले वहीं पर निचोड़ते हो ना, उसका भी मैं देखता हूँ। हम जो लोग स्नान करते हैं तो उसी तमिया अपने एक कपड़े गीले कपड़े वहीं पर निचोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे आप वहां पर गीले फसल आप ले आओ, कमरे में निचोड़ दो। तो जिस दिन हम सब लोग इस चीज का एक संकल्प कर लेंगे, फिर देखना गंगा के किनारे आपको यहाँ गंदगी नहीं मिलेगी। और प्रशासन को भी सोचना चाहिए, ये लोग बड़े बड़े सफाइयों के लिए ध्यान लेते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर वो लोगों से ध्यान लेते हैं तो उसका उनको भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कितनी हम लोग इतनी दूर से लोग आते हैं एक आज तक डुबकी लगाने के लिए, पर गंदगी को देखते हैं। तो हम सब कुछ विचार करना चाहिए, तो तभी हमारे पापों का ध्यान प्रायश्चित होगा। तभी हम पापों को अपने अन्य क्षेत्र कृतम पापम, अन्य किसी भी क्षेत्र में किए हुए पाप हम जब प्रायश्चित करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो फिर हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम बदले को भविष्य की। अगर तीर्थ में पाप करोगे, गंदगी फैलाओगे, उसका प्रायश्चित कहीं नहीं हो सकता। चाहे आप इतनी बार वृंदावन जाओ, चार धाम की यात्रा करो, बार बार हरिद्वार आओ, पर उन पापों का कभी प्रायश्चित नहीं होगा। खाली स्नान करने से, डुबकी लगाने से हमें भगवान नहीं मिलेंगे। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर भगवान खाली स्नान करने से मिलते, अब आप सोचो जो स्नान करने से मिलते हैं, अब जो सुबह से लेकर शाम तक गंगा के बीच में पैसे इकट्ठे कर खड़े, फिर तो पहले तो भगवान उनको मिल जाते हैं। ये तो आस्था की बात है, ये तो श्रद्धा की बात है सज्जनों। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर खाली स्नान करने से भगवान मिलते हैं तो राम जी तब 14 वर्ष वनवास के, और वो कौन भीम आदि जो चार चार महीने झाड़ियों में छिपे रहते थे सर्दियों में, कहां स्नान करते थे? और राम जी ने उन सबको गले लगाया। तो मेरे राघवेंद्र प्रभु ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि खाली स्नान करने से खाली कोई ना ये सोचे भगवान मिल जाएंगे। फिर परीक्षा ने पूछा, गुरु जी चलो ये तो बात आपने स्पष्ट कर दी, परिक्रमा भगवान हमारी